हमारी जो खानदान की ये निशानी थी उन्होंने ये मिटा दी और देवस्थान को तोड़ने की कोशिश की, देवस्थान गांव वालों ने छुड़ाया है। सुनने में आ रहा है कि रात के 2-2 बजे भी यहाँ पर काम लगा रहता है, ऐसा है? हाँ जी सर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हो रहा है जी, क्योंकि रात को 1 बजे लुक पड़ी जी। ये पता नहीं लुक डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। तो मैंने उनको मना किया, गाड़ियाँ रोकी, मना करने के बावजूद भी उन्होंने रात को 1 बजे लुक डाल के यहाँ से गया। अच्छा। अपनी मन में उनको बचाया जाएगा। सबसे पहले डेवलपमेंट अपनी जगह है जी। लेकिन हम अपने देवी देवताओं के साथ मजाक नहीं होने देंगे, आप देख लो। और बीजेपी ये काम करवा रही है कि हमारे जो डोगरों के तीर्थ स्थल हैं, हमारे डोगरों के जो मंदिर हैं, उनको तोड़ने का काम कर रही है और कहते हैं कि हम हिंदुओं की सरकार है। हम बिल्कुल कार्रवाई की मांग करते हैं, जो ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। बाकी रही रोड की बात, रोड तो बनना चाहिए, रोड को हर बंदे को चाहिए, लेकिन तरीके से बनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन रियासी होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी होश में आओ। आपका जो एक टाइम है उसकी रिलेटेड आप काम करो कि गांव वालों को पता चले कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। ये थोड़े कि गांव वाले सोए हैं, आप पीछे से काम। इस वक्त मैं जिला रियासी के जेडी पंडाल में हूं। यहां पर लगातार पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आखिर मामला क्या है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से देखा होगा कि अलग अलग सोशल मीडिया पर लगातार जो है पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट जो है नारेबाजी की जा रही है और ट्रोल भी किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या मामला हो चुका है, पूरा जानते हैं। सर अपना नाम बताएं, क्या पूरा मामला है, क्यों आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं? बलबीर जी, मेरा नाम सुखदर्शन शर्मा है जी, और मैं ग्राम पंडाल, ये जो गांव है पंडाल में, जेडी पंचायत में। और मसला ये है कि कुछ दिन पहले रोड का काम लगा था तो हमारे ये जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बंदे आए थे और ठेकेदार जी, हमने बैठ के सारा ये मसला हल करवाने की कोशिश की थी। मैं लंबरदार भी हूँ, मसला हल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों ने और ठेकेदार ने जबरदस्ती यहाँ पे लोगों की जमीनें काटना शुरू की, जिन्होंने नहीं भी देनी थी। जब से आपको मैं बताऊंगा, थोड़े दिन पहले ही ये राम स्वरूप जी हैं कि हमारे गांव में, वो हैंडीकैप भी हैं और बेरोजगार भी हैं। उन्होंने पहले अपनी जगह 3 कनाल दे दी है, 15 कनाल उनके पास आ रही थी। कहाँ पे दिए पहले? अपने घर के साथ उन्होंने 3 कनाल जमीन दी, सड़क के लिए दी है उन्होंने। और उसके बाद उनकी जमीन एक नीचे आ रही थी, दूसरी जगह उनकी, वो 5 कनाल 17 मरले है, वो जगह वो देने के लिए राजी नहीं थे। ये बताया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये नवाड़ का रोड है, तो इसमें हमने बोला था इनको कंपनसेशन वगैरह जो मिल जाए पैसे, वो चलो इनकी हेल्प हो जाएगी इनके काम। क्या उनको मिला? उन्होंने कहा कि इसमें पैसा हम दे नहीं सकते। और दूसरा ऑप्शन नवाड़ में ये भी है कि जबरदस्ती को किसी की जमीन ले भी नहीं सकते, और इन्होंने ऑलरेडी डोनेट की है 3 कलान जमीन, फिर भी इनके साथ जबरदस्ती। उस दिन हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, तो उसके बाद शाम को क्या होता है कि वही डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं, ठेकेदार आते हैं, जबरदस्ती लुक डालते हैं, और कम से कम 30-40 बंदे जो है पुलिस के वो लाए जाते हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट के बंदे लाए जाते हैं। खैर मैं ये कहूंगा पुलिस का काम है, जब डिपार्टमेंट वाले बुलाएं तो उनको आना पड़ता है, ठीक है। ये भी तो नहीं कहते कि जिसकी जमीन हो अगर वो नहीं देना चाहता तो उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। टॉपिंग वहां पे की उनकी जमीन पे, हमने इसका विरोध किया। आज मेरी जमीन इन्होंने तोड़ दी, ये हमारे बुजुर्गों की हवेली है, और साथ में आपको मैं दिखाऊंगा हमारा देवस्थान है। पुलिस आती है यहाँ पे, डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं, जबरदस्ती इस जगह को तोड़ा गया, जबकि हमने इसमें स्टे। यहाँ पर भी पुलिस आती है? हाँ हाँ, पुलिस जब आई गांव के लोग बाहर ही नहीं निकल पाए, 30-40 लोग हमारे घर के जो हैं ताए जाचे, उन्होंने कहा कि ये हमारा देवस्थान है। हमने इनके मुझे फोन आए कि ऐसे ऐसे वहां तोड़ फोड़ हो रही है, मैंने कहा आप उनको रुकवाओ, मैं आ रहा हूँ। जब ये निकलते हैं, इनको पुलिस वाले बोलते हैं गोली का हुक्म है, कोई बाहर ना निकले। ये कहता है पुलिस वाले, ये बोलते हैं कि यहाँ गोली का हुक्म है, कोई बाहर ना निकले। कौन आया था पुलिस के? इनको तो गाँव वालों को चारों को पता ही नहीं है, यहाँ पर मैं रियासी में था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप लेडीज को भेजो, हाथ जोड़ के उनको वो हमारा देवस्थान मत तोड़े। और आगे से जवाब किया आता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम तो तोड़ेंगे देवस्थान आपका, वो देवता आपको पकड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा। रामराज लाने की बात कर रहे हैं, आज ये रामराज आ रहा है जो इनसे पहले गवर्नमेंट थी उससे वो अच्छी थी, जो बात तो सुनती थी है, ये रामराज आ रहा है, हमारे देवस्थान तोड़े जा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो हवेली थी, पहली बात तो ये है कि पिंच सभी गांवों को इस बात का हुआ है, ये हमारे बुजुर्गों की हवेली थी, मेरे परदादा जी की, जो गलगित में जिनकी डेथ हुई थी, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में वो गलगित में थे, तब जनरल थे वो, गिलगित में लड़ाई लड़ी उन्होंने पुट्टों के साथ, हमारे डोगरी में बोलते हैं पुट्टे, जो भुट्टो कास्ट आपको पता है पाकिस्तान में है, वो एरिया हमारा पाकिस्तान में चला गया, वो बुजुर्ग वहां पे लड़े हमारी जे एंड के लिए, हमारी जमीनों के लिए,
लेकिन आज ये हालत हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की और ठेकेदार की, उन्होंने ये उनकी निशानी थी हमारी जो खानदान की ये निशानी थी, उन्होंने ये मिटा दी और देवस्थान को तोड़ने की कोशिश की, देवस्थान गाँव वालों ने छुड़ाया है, देवस्थान है उसको भी छिड़ा गया है, कहाँ तक सही मानते हैं इसको? देखिए सर, ये जो रोड निकला है ये तो एक गांव की फैसिलिटी के लिए निकाला गया है, ठीक है, बाकी ये है कि जितना आपको जरूरत थी आप उतना निकालो, उसमें लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा जो देव स्थान है खासकर, इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ एंड स्पेशल डीसी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे देखा जाए, जो भी है कार्रवाई आप करें लेकिन अच्छे तरीके से, गांव को तंग ना किया जाए। सुनने में आ रहा है कि रात के 2-2 बजे भी यहां पर काम लगा रहता है, ऐसा है? हाँ जी सर, ऐसा है क्योंकि वो एक टाइम नहीं है, आपका जो एक टाइम है उसकी रिलेटेड आप काम करो कि गांव वालों को पता चले कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये थोड़े है कि गांव वाले सोए हैं आप पीछे से काम कर दिए, ऐसा तो नहीं कि आप घर पे सोए रहे और कहीं ना कहीं मशीन कहीं आपके घर पे लग जाए और आप सोए रह जाएं। जी जी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डीसी मैडम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ मैम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए, देखें, आपको पता चले, ताकि ये हमारे देव स्थान को तंग ना किया जाए और उसको सही तरीके से कार्रवाई इसकी करवाई जाए। तो यहाँ पर क्या डीसी मैडम आए थे यहाँ पर? नहीं, वो मुझे पता नहीं है कि मैम आए थे कि नहीं आए थे, पर मैं उनसे रिक्वेस्ट कोई अधिकारी यहाँ पर आया था इस काम को देखा गया? जी, ये तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने तो देखा ही है क्योंकि उनकी देख रेख में ये होता है, लेकिन उन्होंने जितना यहाँ पे किया उससे जितना जो भी सैंक्शन होता है उससे अगर एक्स्ट्रा आप कर रहे हो वो तो गांव वाले के साथ जाती है, तो हमें ये जाती नहीं करनी चाहिए। तो डीसी मैम से चाहते हैं कि इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि डीसी मैम से वो प्लीज यहाँ आए, देखें और हमारे देव स्थान को उसको तो कम से कम बचाया जाए। तो बिशन जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या ठेकेदार इन पे हावी हो रहा है इस गाँव पर या फिर प्रशासन से कहीं ना कहीं मिली वक्त लग रही है? ये जहाँ जो आज हमने दृश्य देखा है ये तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन जब पुलिस, इतना सा गांव है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आके 10-20 घर हैं, 10-20 घरों के लिए 40 आदमी पुलिस भेजनी, ये कहाँ का इंसाफ है? और ऐसा तो नहीं लगता कि ठेकेदार अपना काम पूरा करने के चक्कर में इन गाँव वासियों को दबाव में डाल रहा है और पुलिस की मदद ले रहा है? अब ये ठेकेदार जाने या पीडब्ल्यू एक्सिन जाने, किसने ये दबाव डाला है या ठेकेदार का काम रुका होगा, तो ठेकेदार ने एक्सिन को बोला होगा कि मेरा काम रुका है, मेरा काम चलवाओ, तो एक्सिन ने डीसी मैडम से या एडिशनल डीसी से किसी से भी ये मदद ली होगी। बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो ये देवस्थान है जो हमने आज यहाँ आके देखा है, ये देवस्थान हमारे डुग्गर प्रदेश का कालीवीर का देवस्थान है और कालीवीर मल माता और कालीवीर का देवस्थान है और घर घर में कालीवीर हमारे डुग्गर प्रदेश में है। और ये तो मैंने जहां आके सुना है कि ये कोई 8 पीढ़ियों पुराना मंदिर है इस जगह को, जहां जब कालीवीर की स्थापना होती है, स्थापना के लिए जहां उनका जो नीचे बंद हमारे डोगरी में कहते हैं बंद रखा जाता है, इस चीज को हम हिला ही नहीं सकते, ना हमारे डोगरे लोग जो कालीवीर को मानते हैं वो हिला ही नहीं सकते। और ये प्रशासन जहाँ पीडब्ल्यूडी का कोई एडब्ल्यू है वो कहता है कि जिसका है उसको पूछेंगे, मैं कहता हूं तेरे को तेरी बड़ी बुरी हालत हो जाएगी अगर इस देवस्थान को किसी ने हिलाया। और बीजेपी ये काम करवा रही है कि हमारे जो डोगरों के तीर्थ स्थल हैं, हमारे डोगरों के जो मंदिर हैं, उनको तोड़ने का काम कर रही है और कहते हैं कि हम हिंदुओं की सरकार है। शासन का काम है कि लोगों को सुविधा पहुंचानी, तो ये क्या सुविधा पहुंच पा रही है? यहाँ पे एक्सीडेंट पीडब्ल्यूडी की नलायकी है, अगर वो ढंग से काम कर रहा होता तो मेरे ख्याल से आज लोग रोड पे नहीं आते, ये बेचारे किसी एक गरीब इंसान के लिए अगर बोल रहे हैं तो इनको दबाने का जो काम है वो एक्सीडेंट पीडब्ल्यूडी, मैं कह रहा हूँ, धड़ल्ले तरीके से कर रहा है। ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आवाज उठाई है तो इनके घर पर जो है कार्रवाई शुरू होगी? वो तो शुरू है, देखो आप सामने देवस्थल है, देवस्थल को आप जेसीबी से तोड़ोगे, देवी देवताओं के स्थल के साथ कोई भी छेड़खानी होगी तो एक्सिन पीडब्ल्यूडी अपनी आंखें खोल ले, मजबूरन हमें ऑफिस के बाहर ना बैठना पड़े इनके साथ। ये गुंगा अंधा बहरा प्रशासन जो आज हो गया है, पीडब्ल्यूडी के जो अफसरान बैठे हैं उन्हें जो है आज मैं कह दूं लोगों का डर क्या, उन्हें जो है देवी देवताओं का डर भी आज जो है नहीं रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं अगर हिंदुओं की जो है हमारे विश्वास के साथ अगर जो है कोई खिलवाड़ हुआ जाए होगा तो हम यही इस रोड के ऊपर हिंदू सब इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारे इस गाँव में जो मांगे हैं पूरी नहीं होती, हिंदू यहाँ से नहीं उठेगा, आज
आज सवाल जो इस गांव का नहीं रहा है, आज सवाल हिंदू एकता का है, हिंदू देवी देवताओं का। डेवलपमेंट अपनी जगह है जी, लेकिन हम अपने देवी देवताओं के साथ मजाक नहीं होने देंगे। आप देख देख लो, ये आप सामने देवते होंगे आपके, हमें नहीं ये कुछ करते। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो ये कितना एक अहंकार इनके दिल में है कि इनको शर्म ही नहीं है, इनको शर्म ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? एक्शन साहब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये यहाँ के लोग सारी यही मांग करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं, जैसे ही जब ये बोलेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। क्या ये सर्वे हुआ है पहले? सर ये मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये रोड का काम जो है, जब इसका टेंडर हुआ था ये डोलसी से गन खालसा था, और काम शुरू हुआ हाजी मोड़ से और काम खत्म हुआ जेडी में। तो यहाँ पर और बाकी जो पीआरए मेंबर हैं वो इसकी आवाज नहीं उठाते? पीआरए मेंबर एक थे हमारे यहाँ पे, वो आज आ नहीं पाए किसी कारणवश, वो पंच भी है और नाइस पंच, वो पिछले बार बोले भी थे इसके बारे में, आई जान नहीं है। हमने स्टार्टिंग से ये आवाज नहीं, आज वो नहीं आया, क्योंकि हो सकता है आपने पहले बोला कि आपके ऊपर कार्रवाई, आप वो बोल रहे हैं क्या होता है उनके ऊपर भी कार्रवाई? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो किसी कारणवश उनके ब्रदर आए हैं, भाई साहब आए हैं उनके, वो पीआरए मेंबर है, वो पंच है, वो बोलते हैं ना डिपार्टमेंट हमारी बात सुनता है ना ठेकेदार हमारी बात सुनता है। मैंने कहा पीछे नाली निकल गई, आगे नाली निकली, मंदिर के बाहर क्यों नहीं निकली? बोलते जी वो ने, फिर ये वहां पे पानी गया, बोली पूरी गंदी, गांव के लोग रो उठे थे क्योंकि वहां का पानी पीते हैं नहाते हैं, लेकिन उसकी किसी ने वो नहीं करवाई। फिर हमने इकट्ठे होके उसका सारा काम करवाया। अब अंत में क्या चाहते हैं आप, क्या सड़क कहां से बननी चाहिए या फिर इसको किस तरीके से जो है बदलाव और किसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? सर सड़क का ये है कि हम डिपार्टमेंट के साथ भी चले थे, ठेकेदार पूरा हमें बताया गया था और हमें निश्चिंत किया। इसके लिए आप बोल रहे हो, हमने इसका स्टे भी लगाया था, उसका टाइम एक महीना पहले खत्म हुआ। और दूसरी बात यह, यहाँ पहले जो एक्शन रह गए जनक राज भगत जी, उनसे मेरे ब्रदर हैं आर के शर्मा सीनियर एडवोकेट, हम इकट्ठे होकर दोनों भाई वहां पे गए थे, हमने एप्लीकेशन दी और उन्होंने हमें पूरे निश्चिंत किया। बोलते ये हमारी, हमने आपकी जो स्टोरी सुनी दादाजी की, तो हम तो हाथ नहीं लगाएंगे इसको, उन्होंने पूरा निश्चिंत किया था। लेकिन उसके बाद वो चले गए, वो रिटायर हो गए हैं शायद, तो ये आए एक्सिन साहब, इनको तो पता है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की नलायकी है। ठेकेदार से हमने बड़ी बार कहा था और उसकी हिम्मत जैसी भी उसकी लगी है, वो जानबूझ के करता है, दांधलियां भी करता है और बिल्कुल रद्दी मटेरियल लगाया हुआ है। रात को 2 बजे लुक डालते हैं, क्रेट डले हैं इस रोड में, मैं आपको एक एक पॉइंट दिखाऊंगा। पुराने क्रेटों के ऊपर नए क्रेट डाल के इन्होंने रोड बनाया और पूरे रोड में सी मिट्टी डाल के ऊपर लुक बिछाई हुई है। ठीक है, बहुत इसमें बहुत हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं विजिलेंस से और सीबीआई से इंक्वायरी कराना चाहता हूं कि ये रोड कहां से था, इसका टेंडर कहां से हुआ और काम कहां पे हुआ है इसका। आपका कहना है कि काम कहीं हो रहा है और टेंडर कहीं का? सर आधा किलोमीटर आगे काम शुरू हुआ और आधा किलोमीटर पहले ही काम खत्म हो गया। लोगों की क्या बात सुनकर ये कार्य हो रहा है या फिर मनमानी से हो रहा है? नहीं, बिल्कुल मनमानी से हो रहा है जी, क्योंकि रात को 1 बजे लुक पड़ी, ये पता नहीं लुक डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। तो मैंने उनको मना किया, गाड़ियां रोकी, मना करने के बावजूद भी उन्होंने रात को 1 बजे लोग डाल के यहाँ से गया। अच्छा। अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं। आपके आज देवस्थान को भी छेड़ा जा रहा है, हाँ। तो कहाँ तक सही मानते हैं? देखो देवस्थान को हमारा अभी सेफ ही इधर ही है, लेकिन यह है कि ये जगह देवस्थान की थी पहले। अच्छा, हाँ। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ बिल्कुल कार्रवाई की मांग करते हैं, जो ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। बाकी रही रोड की बात, रोड तो बनना चाहिए, रोड को हर बंदे को चाहिए, लेकिन तरीके से बनना चाहिए। ठीक है। लोगों को फैसिलिटी देने के लिए सड़क बनाई जाती थी, लेकिन आज उसी सड़क बनाने के कारण लोग दुखी हो चुके हैं। आखिर क्यों? जो ठेकेदार यहाँ पर कार्य कर रहा है उसको लेकर लोगों ने यहाँ पर नाराजगी जताई है कि जो कार्य हो रहा है यहाँ पर मनमानी से हो रहा है, लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं और जितना उसका कार्य था उससे अधिक वो कार्य जो है खनन कर रहा है। अगर बात करेंगे तो अब देवस्थान भी जो हमारे हैं वो सेफ नहीं रहे हैं, हमारे हिंदू आस्था के साथ छेड़खानी की गई है, उसको लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और साफ तौर से एक ही मांग है कि जो एक्शन साहब हैं या फिर जो ठेकेदार है उसके ऊपर जल्द कार्रवाई की जाए और यहाँ पर आकर मौका देखा जाए क्या देवस्थान के जो स्थान था वहां पर छेड़खानी की गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर 8 पीढ़ी पहले का यहाँ पर बुजुर्गों द्वारा बनाई गई एक इमारत थी, जिसको लेकर गवर्नमेंट है लगातार इसको बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों का जो है नुकसान करके जा रही है। और यहाँ पर पुरानी 8 पीढ़ी जो 8 पीढ़ी से पहले इमारत बनाई गई थी उसको पूरी तरीके से तोड़ा गया है, ये देख सकते हैं, यही वो निशान है और इसको लेकर आज आपत्तिजनक जताई गई है।
और जो भी ठेकेदार है उसके ऊपर जल्द ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा मामला देखने को ना मिले, क्योंकि सड़क बनाई जाती है लोगों के फायदे के लिए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि अब लोग सड़क से दुखी हो रहे हैं क्योंकि जितना उसका दायरा था वो उस दायरे से बाहर निकलकर मनमानी कर रहा है, ये साफ तौर से दिखता है। अब देश थानों के ऊपर भी जो है मशीनें चलाई जा रही हैं, उसको लेकर डीसी रियासी से जो अपील की गई है कि ऐसे ठेकेदार या फिर एक्सियन साहब जिस प्रकार से बातचीत करते हैं लोगों के साथ यहाँ आकर, क्यों उसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी जो सिचुएशन है जो ना देखने को मिले। मैं तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो तोड़ा गया है, बात करेंगे। ये रहा देवस्थान और देवस्थान की जो दीवार है वो भी मशीन लगाकर तोड़ दी गई है और हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं जो है चोट पहुंचाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीन दिन से ऐसा ही गंद पड़ा हुआ है। अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से बाहर और अंदर जाएगा। लेकिन बात करेंगे जो यहाँ पर लंबरदार हैं, उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के लिए आवाज उठाई थी और अंत में उनके ऊपर ही जो है मशीन, उनकी जमीन पर मशीन चला दी गई और कहीं ना कहीं वो निराशगी जताते हुए, क्योंकि गांव के जो लंबरदार हैं अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो आखिर किसकी सुनी जाएगी। मैं जिला प्रशासन से अपील करूंगा कि जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए और ताकि लोग जो है प्रशासन के ऊपर विश्वास बना रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद।